हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बुद्ध वनम। ये हैदराबाद में है। वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। बुद्ध वनम जाने के लिए हम जाएंगे नेहरू आउटडोर रिंग रोड, ORR रोड में जाना पड़ेगा। ये किधर है? ये नागार्जुन सागर जाने का रास्ता में बुद्ध वनम है। नागार्जुन सागर का आसपास में बुद्ध वनम है। बुद्ध वनम क्रॉस करके हम नागार्जुन सागर जा सकता है। अभी एग्जिट आ गया एयरपोर्ट रोड से। आप देख सकता है ये बुद्ध वनम का आर्च है। ये आ गया बुद्ध वनम। वो साइड में एक गेट है ना, दो एलिफेंट है बाहर, वो मेन गेट है। आज हम मेन गेट के अंदर नहीं जाएगा, पास में एक और एक गेट है, कार पार्किंग का गेट, उसमें जाना पड़ेगा। वो बाहर है, वो कैमरा नॉट अलाउड। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल में आप शूट कर सकते हैं। ये 270 acre है, बहुत बड़ा जगह है। कार पार्किंग सब का, कोई भी टेंशन नहीं है कार पार्किंग के लिए। बहुत बड़ा जगह है 270 acre में। अभी गाड़ी को पार्क करने के बाद इसमें अंदर जाना है। ये जाने का रास्ता, पूरा अंदर देख सकते हैं अंदर कैसे है। पूरा चारों तरफ वॉल में ऐसे कुछ स्टैचू वगैरह है, बहुत सुंदर है देखने के लिए। बहुत फिनिशिंग वर्क बहुत अच्छा है। पूरा देख सकता है, पूरा वॉल में पूरा स्टैचू वगैरह है। ऊपर देख सकता है ऐसे लाइन वगैरह है। ये और एक दूसरा गेट, मेन गेट बोला था ना, बाहर दोनों साइड एलिफेंट है। ऊपर थोड़ा लाइन भी है। एक सेंटर में ऐसे एक स्तूपी है। हम अभी उधर जाना है। ये अभी तक फ्री है, वो अगस्त सितंबर 2022 के बाद बोला था इधर ये वाला लोग कुछ पैसा वसूल करेंगे, एंट्री फी वगैरह, और टॉय ट्रेन भी आ जाएगा। हम एलिफेंटा केव में देखा था ना, ऐसे टाइप का टॉय ट्रेन और बैटरी कार भी आने का चांसेस है बोला था। और भी कुछ काम चल रहे वो 2022 और अगस्त सितंबर में ये सब हो जाएगा, ऐसे ये इधर वाला लोग कुछ बोला था, हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है ना, उधर पूरा बुद्धा का ज़्यादा स्टैचू वगैरह है, वो पूरा घूमने का बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा बैटरी का टाई ट्रेन वगैरह भी वो इधर आने का प्लान है कुछ बोला था। अभी इसे आसपास में आ गया। नीचे देख सकता है, नीचे एक एग्जीबिशन हॉल है, लेकिन अभी ओपन नहीं है, अभी क्लोज्ड है, कोई भी अलाउड नहीं कर रहे। अभी हम ऊपर जाना है, ऊपर ओपन है, नीचे ये वाला ना एग्जीबिशन हॉल, ऊपर मेडिटेशन हॉल है अंदर। अभी हम मेडिटेशन हॉल को जाना है। वो जाने का रास्ता में ऐसे पूरा स्टैचू वगैरह है, ये सीमेंट में बनाया, ये बहुत सुंदर है। इसका वर्क है ना, बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छा है इसमें, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। आप हैदराबाद में आप ज़रूर एक टाइम देख लीजिए, नहीं तो आप टूरिस्ट के लिए आ रहे आप भी ज़रूर ये बुद्ध वनम को देख सकता है। इतना सुंदर वर्क, फिनिशिंग बहुत अच्छा है ये वर्क में। वो सब सीमेंट में रेडी किया, लेकिन बहुत अच्छा है। ये तेलंगाना टूरिस्ट में रेडी किया, ये 18 इयर्स का प्रोजेक्ट बोला था। इतना अच्छा काम चल रहे हैं,
बहुत सुंदर है। इसे चारों तरफ गेट है, चारों तरफ गेट के सामने ऐसे चार पिलर्स है, पिलर्स में भी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कुछ वर्क चला था, बहुत अच्छा है देखने के लिए। अभी अंदर जा सकता है, अंदर एक ऐसे गोल्डन कलर थीम में रेडी किया, ऐसे छोटा छोटा पिलर जैसा कुछ रेडी किया। अभी सेंटर में जाके पुता को देख सकता है, लेकिन पास में जा नहीं सकता, पूरा लॉक्ड है। फिर थोड़ा साइड से आप देख सकता है पूरा गोल्ड थीम में। मैं आपको ऐसे पूरा दिखाती हूँ कैसे है। देखने के लिए बहुत सुंदर है। वो बोला शाम को कुछ लाइट वगैरह भी चलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा देखने के लिए। ये चारों तरफ बुद्धा है, बुद्धा के चारों तरफ फोर गेट भी है। ये मेडिटेशन हॉल, अभी देख सकता है पूरा सोफा है, सोफा के दोनों साइड एक गोल्डन कलर वो थीम वाला पिलर जैसा है, और चारों तरफ बड़ा बड़ा गेट भी है, दरवाजा भी है। आप देख सकता है पूरा 360 डिग्री एंगल्स में। इसका सीलिंग भी है ना बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर है देखने के लिए। कैमरा अलाउड नहीं है, आप मोबाइल में ही शूट कर सकता है। इसका टाइमिंग मॉर्निंग 10 to 6, 7 days ओपन है, क्लोज नहीं है। टाइमिंग 10 to 6 है इसका। इसे ना वो सोफा के बैक साइड इसे लोटस जैसा बाउल से इसका कैंडल कुछ लाइट वगैरह डालने के लिए, सब गोल्डन थीम है इसमें। वो फिर पीछे साइड है, बैक साइड आने के बाद बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह, कलरफुल फ्लावर्स, सब बहुत बड़ा जगह है ना, 270 acres इसमें। ये बहुत अच्छा हवा भी आ गया। आप देख सकते हैं कितना हवा आ रहा है, पीछे कुछ फाउंटेन जैसा है। वो फाउंटेन के सेंटर में वो बुद्धा का कुछ एक पैर जैसा कुछ लगाया सीमेंट में, वो भी बहुत सुंदर है। उसमें भी ज़्यादा काम देख सकते हैं आप। इसका फ्रंट एंड बैक साइड ऐसे ग्रास पूरा लहाया, बहुत सुंदर है देखने के लिए, बहुत अच्छा है। ऐसे चारों तरफ ग्रास है। इधर कुछ ट्रीज के नीचे कुछ स्टोन बेंच वगैरह है, और पीने का पानी मिल जाएगा, कुछ बर्ड्स का कुछ फूड वगैरह भी इधर है। अंदर एक छोटा दुकान भी है, ऐसे जूस, बिस्किट्स, आइसक्रीम, ऐसे छोटा छोटा दुकान है।
और इधर कुछ टॉयलेट वगैरह भी है अंदर। अभी सब फ्री है, लेकिन अगस्त सितंबर के बाद शायद हो जाएगा पैसा पेमेंट एंट्री फी भी। आप बोलो बुद्धवनम कैसे है, आप सबको बहुत पसंद है, आप ज़रूर देख लीजिए। हैदराबाद में है, आप ज़रूर बुद्धवनम को देख सकता है। ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।